हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर वन ऑफ आवर सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन अल्टीट्यूड एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। यू विल फाइंड दिस चैप्टर इन 8th स्टैंडर्ड मैथ्स टेक्स्ट बुक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will get complete idea of what is altitude and what is median of a triangle. So let's begin lecture number 1. Lecture number 1 ke shuru karne se pehle channel pe naye aaye to subscribe kar lijiye aur video agar aapko pasand aaye to use like bhi kar dijiye. Agar aapko kuch doubt hai to mujhe comments mein bataiye ya mere Instagram handle par. To chaliye shuru karte hain lecture number 1. Altitude and median of a triangle. To is chapter mein हम कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले, आइए उसकी समरी जान लेते हैं। पहला है व्हाट इज़ अल्टीट्यूड, हम ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या होता है ये कंसेप्ट हम सीखेंगे। फिर उसी में सब कॉन्सेप्ट है ऑर्थो सेंटर। फिर दूसरी कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट, वो क्या है, व्हाट इज़ मीडियन, मीडियन क्या होता है एक ट्रायंगल का, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। फिर उसी का सब कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड, वो सेंट्रॉइड क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी, प्रैक्टिस सेट 4.1, तो इन्हीं कंसेप्ट पर ये 4.1 बेस्ड है, तो आपको ये कंसेप्ट समझ लेनी है, फिर हम प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करेंगे। बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 1। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखिए अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। सपोज ये ट्रायंगल है, ये क्या है, फिर इन इससे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या होते हैं, तीनों वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। फिर अभी देखिए ये वर्टेक्स है और ये क्या है, ये एंगल है। अभी देखिए ये जो साइड होती है, ये साइड क्या है, अपोजिट टू दिस वर्टेक्स, ये साइड क्या है, अपोजिट टू दिस वर्टेक्स, और ये साइड क्या है, अपोजिट टू दिस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को अपोजिट ये साइड है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है, कौन सी वर्टेक्स एंड दूसरी क्या है, ये अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड ये, इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड ये, इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड ये। तो चलिए अब हम अल्टीट्यूड के कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये हुआ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की ये जो साइड है ये क्या हुई, ये बेस, इसे हम क्या कहेंगे, बेस, और ये जो रहेगा इसे क्या कहेंगे हम, एपेक्स। एपेक्स जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है उसे हम एपेक्स बोलते हैं, और ये जो नीचे वाली साइड होती है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, ये क्या है, वर्टेक्स, और ये क्या है, ये वर्टेक्स की अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स। तो अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड इज अ सेगमेंट विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होती है उसके अपोजिट साइड पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम, अल्टीट्यूड। अभी यहाँ पर देखिए हमने इस वर्टेक्स से लेकर इस अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स पर हमने क्या ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो इस परपेंडिकुलर सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड। सपोज ये ट्रायंगल ABC, ABC, और ये जो हमने सेगमेंट ड्रॉ किए वो क्या है, AM, तो हम क्या कहेंगे, AM इज
ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ए एम क्या हुआ, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड को शॉर्ट में समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं, ये हाइट होती ऑफ अ ट्रायंगल। आपने कभी कभी ऐसी टर्म सुनी होगी अल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन, तो अल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन मतलब क्या होता है, उस माउंटेन की हाइट फ्रॉम सी लेवल। तो बस वैसा ही वही कंसेप्ट है, यहाँ पर हम जो हाइट मेजर करते हैं वो किसकी मेजर कर रहे हैं, ट्रायंगल की। तो ये हुई कंसेप्ट ऑफ अल्टीट्यूड, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। तो अल्टीट्यूड की डेफिनेशन हम अभी लिखेंगे। डेफिनेशन, अल्टीट्यूड इज अ सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स। ऐसी सेगमेंट जो वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और परपेंडिकुलर होती है, कहाँ पर, अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स, तो ये क्या हुई अल्टीट्यूड। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ अल्टीट्यूड। यहाँ पर अल्टीट्यूड क्या है, ए एम, ए एम इज अल्टीट्यूड। आशा करता हूँ कंसेप्ट ऑफ अल्टीट्यूड आपको समझ में आया। हम सीखेंगे और तो सेंटर क्या होता है। तो देखिए, सपोज ये ट्राइंगल है, अभी हमें पता है अल्टीट्यूड क्या होती है, ऐसी सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और परपेंडिकुलर होती है, का किस पर, अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स पर ये परपेंडिकुलर होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टीट्यूड। सपोज ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए एम क्या है, ऑल्टीट्यूड है। एक और ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम वर्टेक्स बी, हमने वर्टेक्स बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी टू अपोजिट साइड ऑफ दिस वर्टेक्स, दैट इज ए सी, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम एम। अभी हम एक और वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स, दैट इज ए बी, तो ये हुई परपेंडिकुलर। तो सपोज सी पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमने अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करी है, अल्टीट्यूड्स वो कहाँ पर मीट हो रही है, एक पॉइंट पर मीट हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, ओ। तो ये पॉइंट क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर, इसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर। क्या है ऑर्थो सेंटर, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल होता है उसके अल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, मतलब कॉन्करेंस मतलब मिलना, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है ओ, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो अभी हमारे पास तीन टाइप्स के ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूटेंगल ट्रायंगल और ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल, तो इनके ऑर्थो सेंटर कहाँ पर लाए होते हैं वो हम अभी स्टडी करेंगे। सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और ये सी, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ढूंढना है। ऑर्थो सेंटर किसका, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ऑर्थो सेंटर हमें ढूंढना है। तो देखिए, ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल्टीट्यूड। अभी हम हर एक वर्टेक्स का ऑल्टीट्यूड ढूंढेंगे। अभी ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, इट इज़ अ सेगमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम वर्टेक्स एंड एंड एट अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स एट राइट एंगल ट्रायंगल। अल्टीट्यूड इज अ सेगमेंट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्टेक्स एंड एंड्स एट अपोजिट साइड ऑफ दैट वर्टेक्स एट राइट एंगल। तो ये हुई, तो ये हुआ वो अल्टीट्यूड, ये कहाँ पर मीट हो रहा है, अपोजिट साइड पर मीट हो रहा है, ये अपोजिट साइड बी सी एट 90 डिग्री, तो ये ए बी क्या हुआ, अल्टीट्यूड। अभी
वर्टेक्स सी से हम एल्टीट्यूड निकालेंगे। देखिए ये सेगमेंट क्या है, बी सी, ये क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहे, फ्रॉम वर्टेक्स, और ख़त्म कर रही एट सेगमेंट ए बी। कौन से एंगल पर, राइट एंगल पर, तो इसलिए यहाँ पर ए बी सी क्या हुआ, अल्टीट्यूड। अभी ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स, तो यहाँ से भी एक सेगमेंट निकलेगी और ये जो अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स है वहाँ पर जाकर मीट होगी एट राइट एंगल। तो ये पॉइंट क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर। देखे ये एक ऑल्टीट्यूड है बी सी, ये एक ऑल्टीट्यूड है बी डी, और ये एक ऑल्टीट्यूड है ए बी। ये तीनों ऑल्टीट्यूड कहाँ पर मीट हो रहे, एट पॉइंट बी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर है, एट राइट एंगल। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए। अभी हम ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करेंगे। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री। तो सपोज ये हुआ, ये एंगल क्या हुआ, मोर देन 90 डिग्री। सपोज ये बी है, ये सी है, और ये ए, हम ए सी को ज्वाइन कर लेंगे। अभी देखिए हमें ऑल्टीट्यूड निकालना है पहले, तो एट वर्टेक्स सी इसका हम ऑल्टीट्यूड निकालेंगे इस साइड पर। देखिए ये जो साइड है हम इसे एक्सटेंड करेंगे, आपको क्या करना है, अभी ये जो वर्टेक्स सी है यहाँ से जो सेगमेंट स्टार्ट होगी वो क्या होगी, इसकी जो अपोजिट साइड है, सपोज ये ए बी है अपोजिट साइड, इसे हम इस तरह से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ से जो सेगमेंट निकलेगी और वो इस ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड। तो ये सेगमेंट सी एम क्या हुई, अल्टीट्यूड। अभी हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे फ्रॉम वर्टेक्स बी। अभी वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड क्या है, ए सी, तो हम ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हुआ, अल्टीट्यूड हुआ बी एन। अभी फ्रॉम पॉइंट ए हम अल्टीट्यूड निकालेंगे टू अपोजिट साइड बी सी, तो बी सी को इस तरह से एक्सटेंड कर लेना है। बी सी को इस तरह से एक्सटेंड कर लेना है, फिर इस वर्टेक्स ए से यहाँ पर इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो ये क्या हुआ, बी ए पी। सपोज ये ए पी क्या है, अल्टीट्यूड है। अभी देखिए ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अभी देखिए ये हुए अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अभी इसे कॉन्करेंस कैसे करना है, देखिए इसे हम एक्सटेंड करूँगा मैं, देखिए इसे मैं एक्सटेंड करूँगा ये अल्टीट्यूड ए पी को इस तरह से, फिर मैं इस अल्टीट्यूड बी एन को भी एक्सटेंड करूँगा इस डायरेक्शन में, और इस अल्टीट्यूड सी एम को भी मैं एक्सटेंड करूँगा इसी डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हुआ ओ। तो ये क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर लाए करेगा? आउटसाइड द ट्रायंगल। ये क्या है? हमारा ट्रायंगल है और ये क्या है? ऑर्थो सेंटर है। वो कहाँ पर लाए कर रहा है? आउटसाइड द ट्रायंगल, लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो पहले हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ए बी और ये सी। फिर क्या करना है हमें? इस वर्टेक्स ए से इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी। ये हुए परपेंडिकुलर एम। फिर वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी। सपोज ये परपेंडिकुलर है बी एन, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड ऑफ दिस वर्टेक्स ए सी। अभी हम सेगमेंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम वर्टेक्स सी परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड। तो सपोज सी पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ओ, ये क्या है? ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओ क्या हुआ? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। क्यों? क्योंकि ये जो अल्टीट्यूड है, ये तीनों अल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पर मीट हो रहे एट पॉइंट ओ, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंड इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं? लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो हमने एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर निकाला ऑन अपोजिट साइड फॉर तीनों वर्टेक्स के लिए। इस तरह से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फिर ये जो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मीट हो रहा है वो क्या है? ऑर्थो सेंटर। तो ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पर लाया करता है? इनसाइड द ट्रायंगल। तो अभी आपको एक टेबल बना देता हूँ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर। अभी पहले टाइप का ट्रायंगल कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसका जो पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर है कहाँ पर है? वो एट द राइट एंगल। तो सपोज ये राइट एंगल है, यहाँ पर ये राइट एंगल है, तो ये क्या होगा? वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। लोकेशन ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर है? वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, उसका पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर कहाँ पर है? आउटसाइड द ट्रायंगल। फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर का लोकेशन कहाँ पर है? इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। ये जो टेबल है इसे आप ध्यान में रखिए, ये इम्पोर्टेंट टेबल है। तो आशा करता हूँ आपको अल्टीट्यूड की कंसेप्ट समझ में आएगी। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। नाउ वी विल लर्न व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। नाउ सपोज दिस इज
mid point M. This mid point divides this segment in two equal parts. Now median is a segment which starts from this vertex and joins midpoint of its opposite side. तो median ऐसी segment है जो start होती है from vertex and join midpoint of opposite side of vertex. तो इस segment को हम क्या कहेंगे? Median. यहाँ पर AM क्या है? Median. इसे हम क्या कहेंगे? Median of a triangle. क्या होता है वो? Segment joining vertex and midpoint of opposite side. Of the vertex. ये क्या है? Median. This is definition. या ध्यान में रखिए. It is a segment joining vertex and midpoint of opposite side of this vertex. तो ये थी कंसेप्ट ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा. सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या होता है चलिए सीखते. सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल ए बी एंड सी. M, N and P. These are midpoints of side BC, AC and AB respectively. Segment joining vertex and midpoint of opposite side of that vertex. तो ये क्या हुआ? Median of a triangle. और एक median हम vertex B से draw करेंगे. BN is a median. It starts from vertex B and ends at midpoint of opposite side of that vertex. तो ये जो segment है CP, ये भी क्या हुई? Median. This CP median starts from vertex C and connects with midpoint of its opposite side of vertex. तो ये क्या हुई? Median. अभी देखिए ये सब median एक point पर meet हो रहे हैं. देखिए at point G. तो ये G point क्या है? Centroid. It is a point of concurrence of medians of a triangle. Centroid क्या है? Point of concurrence. सेंट्रॉइड क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड. अभी सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड. इस सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी है. क्या प्रॉपर्टी है? इट डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो ऑफ टू इट्स टू इज टू वन. प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड. Divides median in ratio of 2:1. तो देखिए ये जो centroid G है ये median AM को two parts में divide कर रहा है. AG और GM. ये जो median है AM इसे centroid G ने two parts में divide किया है. सपोज लेंथ ऑफ ए जी ये हमें पता नहीं है. इस सेंट्रॉइड जी ने इस मीडियन ए एम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. ऊपर वाला पार्ट्स और नीचे वाला पार्ट उसकी लेंथ का रेशो क्या होगा?
2:1। इस रेशो में ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को डिवाइड करता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी है, ये प्रॉपर्टी। आप क्या करो, एक एक्टिविटी करो। आप क्या करो, ये ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ करो, फिर इन साइड्स का मिड पॉइंट इस तरह से मार्क करो। फिर मार्क करने के बाद एक सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ कर लो, मीडियन। मीडियन को इस तरह से आप ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद इस तरह से BN और CP इस तरह के मीडियंस भी आप ड्रॉ कर लो। अभी ये जो आपको पॉइंट मिलेगा उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का, वो क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, AG, लेंथ AG और लेंथ GM, इनको मेजर करना है और इनका रेशो लेना है। तो ये जो रेशो आएगा वो उनका रेशो क्या होगा, उनकी लेंथ्स का रेशो क्या होगा, 2:1। आप ये मीडियन ले सकते हो या ये मीडियन BG, ये जो मीडियन है BN, ये BN मीडियन आप ले सकते हो। इस BN मीडियन को ये सेंट्रॉइड G टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, BG और ये GN। तो इनकी लेंथ का रेशो क्या होगा, 2:1। इन सेम वे लेंथ ऑफ CG और लेंथ ऑफ GP इनका रेशो क्या होगा, CG और GP इनका रेशो क्या होगा, 2:1। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अभी हमारे पास तीन टाइप्स के ट्रायंगल है, एक्विटेंगल ट्रायंगल, ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अभी जब आप इन तीनों ट्रायंगल्स के आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है सेंट्रॉइड, वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी। अभी ये था कंसेप्ट ऑफ मीडियन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।